हेलो गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर वीडियोस अगर आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए और आज हम एनालिसिस कर रहे हैं वीकली वीडियो का <coughs> उससे पहले हम एक बार लास्ट वीक की एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने क्या बोला था और मार्केट में हुआ क्या तो अगर आप लोगों को याद होगा मेरी लास्ट वीक की जो एनालिसिस थी अगर आप संडे का वीडियो देखोगे तो मैंने बोला था कि मार्केट रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटीज है और हमने जितने भी पैसे कमाए वो सेल ऑन राइज में ही पैसे कमाए और अच्छे पैसे कमाए तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात देखोगे लास्ट फाइव डेज वन टू थ्री फोर फाइव इट वॉज एंटायरली रेंज बाउंड विच वर्क परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द व्यू द ओनली व्यू निफ्टी ऑल्सो वॉज रेंज बाउंड एक्सेप्ट फ्राइडे और फ्राइडे मैंने बोल दिया था डेटा देख के कि मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं एंड फ्राइडे पर्सनली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच ए बिग मूव बट मैंने क्या बोला था कि क्योंकि निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया है तो अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है तो आपको एक ब्रेकआउट का फायदा उठाना चाहिए और मार्केट अगर गिरेगा तो मार्केट आपको बहुत टाइम देगा एग्जिट करने के लिए लॉस नहीं होगा दैट वॉज द स्टेटमेंट आई पुट इट इन माई चैनल राइट अगर उसको देख के किसी लोगों ने बाय किया होगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे क्योंकि दिस इज द ओनली बिगेस्ट स्कैंडल इन लास्ट टेन डेज ठीक है मैं खुद ट्रेड नहीं किया ऑफ कोर्स बिकॉज मैं एक बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ बड़ा वाला और बैंक निफ्टी ट्रेडिंग में मेरे को ज्यादा कोई आ, पैसे मिलते हुए दिख नहीं रहता एक्चुअली स्पेशली so इसको ऑफ कर देते हैं स्पेशली ऑन फ्राइडे बट मैंने फ्राइडे आपको बोला था कि आपको एक ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है एंड यू शुड बी गुड राइट ये कम्युनिटी टाइप में भी मैंने डाला था और यहाँ पे हमारे दूसरे लेवल पे थे जो हमारे मेंटीज हैं उनको पता है कि ये लेवल पे ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए थी बट ठीक है आप आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पर के व्यूअर्स हैं मैंने उन लोगों के लिए ये ट्रेंड लाइन बोला था कि आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखो और मार्केट यहाँ से सपोर्ट देगा ठीक है तो मार्केट यहाँ से लास्ट मोमेंट्स में सपोर्ट दिया और अच्छा खासा सपोर्ट दिया और आपको एक लेवल मैंने 225 का दिया था याद है जो स्टेटमेंट मैंने डाली थी वीडियो तो नहीं बनाई थी हमने 225 मैंने बोला था 225 ट्वेंटी फाइव और एक्सट्रीम लेवल ट्रेडिंग कभी भी टच करेगा तो आप सेल कर सकते हो तो अगर किसी ने सेल किया होता तो ये ऑलमोस्ट हंड्रेड पॉइंट तो ऐट द मनी में आप सिक्सटी सेवेंटी पॉइंट तो ईजिली बना सकते थे ऑन फ्राइडे इट कुछ लोगों ने हमारे ग्रुप में बाय तो लिया ही था ऑफ कोर्स राइट ये बाय लिया था अब किसने कितना लंबा रखा डिफरेंट क्वेश्चन निफ्टी में मेरा जो व्यू था निफ्टी में, में मेरा व्यू क्या था मैंने एक्सट्रीम लेवल की ट्रेडिंग की अगर बात करें मैंने आपको सिर्फ एक लेवल पे सेल मारने के लिए बोला था विन पॉइंट लॉस फोर इज थर्टीन ओके यहाँ पे अगर आप मार्केट में देखोगे पहला कैंडल ही बुल उसके बाद ग्रीन 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 ये 413 के ऊपर चलाई गया उसके नीचे कभी आया ही नहीं तो आई रियली डोंट थिंक 413 में किसी को सेल करने का मौका मिला होगा क्योंकि अगर सेल, अगर सेल फ्राइडे को होना होता तो इसी लेवल से होता द मोमेंट इट वेंट अप जैसे मैंने चैनल में डाला था कि आपको एक ब्रेकआउट बाय करना चाहिए था लोगों ने अगर बाय किया होता तो अच्छा पैसे बना सकते थे और मैंने दिन भर में भी दो में ट्रेडिंग नहीं कर रहा था बट किसी को मैंने पर्सनली सजेस्ट भी नहीं किया कि आप निफ्टी को सेल करो ओके बोला था मार्केट में रिटेलरस आर अल्ट्रा अल्ट्रा बर इेक्ट एंड तो ऐसा सवाल भी पैदा नहीं होता है की मार्केट नीचे आ जाए हाँ ऐसा हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर दे ज्यादा बड़ा ऊपर ना जाए बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट नीचे आ जाए, ओके? Okay? बनता नहीं था आप लोगों का कुछ लोगों ने ट्यूसडे के लिए पुट लिया है और मैंने लोगों को ट्यूसडे के लिए भी पुट लेने के लिए मना किया था क्योंकि मैंने ग्रुप में एक चीज बोली थी जो मैंने यूट्यूब में नहीं डाला वट आई टोल्ड इन द ग्रुप वेन एवर दे सक्सेसफुल ब्रेकआउट Like, जैसे निफ्टी ने ये ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाहर ब्रेकआउट दिया है तो वेर इज ए ब्रेकआउट लाइक दिस इट इजेंट ब्रेकआउट फ्रॉम हिस्सा अभी कैलकुलेशन इसने यहां से किया है फोर हंड्रेड से किया है तो so, अगर ये देखोगे तो मोटा मोटा हमारा के आसपास की हमारी ब्रेकआउट हो गई है और मैंने बोला था ए सक्सेसफुल ब्रेकआउट विल गिव यू ब्रेकआउट अप टू टू परसेंट मिनिमम एंड देन स्टार्ट रियक्टिंग और रिवर्सिंग द ट्रेंड ओके तो वही व्यू एंड अदर डेटा एंड ऑल विल मेक द मंडेज ट्रेडिंग व्यू एज वेल एज वीकली व्यू ओके तो वीकली व्यू के लिए मैं पहले टाइमिंग दे देता दे हूँ आपको तो टाइमिंग दिख कैसे रहा है ओके सो सिक्सटी जो है हमारा ओके इट्स एक्चुअली अष्टमी है ठीक है अष्टमी है शुक्ल पक्ष है राइट right? सो so, बहुत बार कैस, कैसे होता है कि अष्टमी के दिन ही ट्रेंड चेंज होना चालू हो जाता है विच इज मंडे ओके तो मंडे ट्रेंड चेंज होना चालू हो सकता है ठीक है पॉसिबिलिटीज है सिक्सटींथ इज द डेट बट एस्ट्रो में वन और टू डेज का डिफरेंस चलता है तो यू कैन कंसिडर इट अवेंटींथ ऑल्सो आपको कॉल नहीं लेना है रेंज बाउंड दिख, uh, दिख रहा है मतलब कंफ्यूजिंग मार्केट है पूरा का पूरा मैं डिटेल टाइमिंग कम्युनिटी टाइम में डाल दूंगा आफ्टर दिस वीकली एनालिसिसवेंटी का जो है मेरा ओके okay, से मॉर्निंग में शायद मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहे बट आफ्टर वन पी एम ओकेवी फॉल दैट वी कैन सी फ्रॉम ए टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू ओके उसके लिए हमारा कोड वर्ड है ठीक है तो सेवन आफ्टर वन पी एम एक तांडव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग ओके एटींथ कालोन राइस ओके ंग में ये ऊपर रहेगा अगेन सेकेंड हाफ में ये नीचे गिरने की पॉसिबिलिटीज है बट ये अपर साइड जो है ये कैप्ड दिख रहा है एटींथ को ओके okay? नाइनटीन्थ जो है विच इज थर्स डे उस दिन में एक बाइंग जैकवेट हमको मिलने की पॉसिबिलिटीज है टाइमिंग इसको, इसको के हिसाब से जो दिख रहा है मॉर्निंग में डाउन एंड सेकेंड हाफ रिकवरी ओके तो किसी ने ग्रुप में मेरे को पूछा था फ्राइडे का ट्रेड फ्राइडे का ट्रेड भी यही था मॉर्निंग में डाउन एंड सेकेंड हाफ रिकवरी मैंने ये बोला था और अगर देखो कि बैंक निफ्टी ने किया भी वैसे अगर आप देखोग मॉर्निंग में डाउन ओके सिर्फ फर्स्ट कैंडल वाज ग्रीन अदरवाइज इट वाज डाउन एंड देन इट वाज रिकवरी बट निफ्टी में नहीं था बिकॉज निफ्टी में हाई वेटेड इंडेक्स हाईली वेटेड इंडेक्स लाइक एच डी एफ सी टीसी देर मैनेज टू कीप निफ्टी uh, हायर मैंने क्लियरली बोला था ग्रुप में भी ये बैंक, जब लोग यहाँ पे मेरे को पूछ रहे थे सपोर्ट ना करे बट आई टी रिलायंस एंड एस डी एफ सी आपको सपोर्ट करके ऊपर लेके जाएंगे तो अगर आप देखोगे टीसीएस टीसीएस को इग्नोर नहीं करना था बहुत एंड टीसीएस फोर हंड्रेड ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट का टीसीएस में ठीक है मैंने क्लियरली बोला था कि आईटी ऊपर रहेगा फ्राइडे आईटी ऊपर एक्सपेक्ट कर थे. और अगर आप सारा इंडेक्स न, ये सारे इंडेक्स में आईटी एंड एफएमसीजी एम आर द टू सेक्टर्स व्हिच एक्चुअली केप निफ्टी वेल एब ओके अदरवाइज आप देखोगे बैंक निफ्टी में टू पॉइंट का टू पॉइंट निफ्टी में हंड्रेड का मूव राइट जनरली बैंक निफ्टी में फाइव टाइम्स मूवमेंट होना चाहिए थाइंडी हायर दैट मीन मॉर्निंग से ही ऊपर था अदरवाइज आवर व्यू वॉज लाइक दिस के मॉर्निंग में गिरेगा और सेकेंड हाफ में रिकवर करेगा डेनी वे यू कैनोट बी लाइक हंड्रेड परसेंट परफेक्ट अगर हंड्रेड परसेंट परफेक्ट बना देता तो मैं रोज दो दो करोड़ पैसे चाहता है है? है ना ठीक का जो हमारा है, वो आ, आ, फ्राइडे को निफ्टी जैसे बिहेव किया है, उस तरह की है It's an day, तो second half में हम एक बाइंग जैकपॉट लेने की कोशिश कर सकते हैं वैसे मैं इंट्राडे वाले वीडियो में बता दूंगा ट्वेंटी जो है okay, इसमें एक बुल पोजीशंस दिख रही है फ्राइडे को जनरली फ्राइडे प्रॉफिट बुकिंग वाली डे होती है बट जनरली 20th को मेरे को एक बुल साइट का रन uh, दिख रहा है बट दैट बुल वुड बी ए ट्राफ फॉर बुल्स माइट बी ए ट्राफ फॉर बुल्स बिकॉज़ 21st इज अगेन ए ट्रेंड चेंज डेट ओके सो वी विल सी अगर 20th तक मार्केट नीचे रहती है एंड 20th को बुल साइन आना चालू करता है

छोटे से स्टॉपलस के साथ क्योंकि दिस माइट बी जैकपॉट ऑन राइज मैं आपको डिटेल बाद में दे दूंगा, 19, में bull, okay? जिसको लेना आप ले सकते हो फिर हम एनलिस करते हैं वीकली नाउ देखो फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू गाइस द वे निफ्टी के जो टारगेट बनती है यहां से इज जनरली सिक्स हंड्रेड पॉइंट टारगेट थ्री so, हंड्रेड से अगर मैं ले लू ब्रेकआउट भी निफ्टी लुक्स लाइकेंड नाइन हंड्रेड टारगेट आइडियली इफ दिस ब्रेकआउट इज एज ए गुड ब्रेकआउट दैट मीन्स ये अगर फेल नहीं होता है आई होप सब ने स्क्रीन शॉट ले लिया है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ सो हाउ गाइज आई मीन ए लॉर्ड ऑफ यूट्यूबर्स विल गिव यू सेवनटीन थाउजेंड ऑल्सो

16,700, 16,900, then we will think about 17,000. It come, it can come. But what we need to know, people should give it with logic. Then in what scenarios you should trade uh, this kind of stuff. जैसे मैंने Friday को आपको बोला था कि एक try तो आपका breakout में बनता है. अगर किसी ने try किया होता, सीधे देखो, trading is all about probabilities. Okay? लॉस कंट्रोल करके अगर आप प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करोगे तो यू विल मेक गुड मनी तो किसी ने अगर यहाँ पे छोटे लॉस के साथ अगर बाइ किया होता दिन भर रहा होता बहुत अच्छा पैसे बना सकता था एनी फॉरगेट अबाउट दैट बट आई आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज गिव यू लॉजिक दैट ऑन वॉट बेसिस वी कैन गो फॉर ए टारगेट ऑफ सिक्सटीन एंड नाइन और वी विल लुक टूवर्ड्स डाउन मैंने टाइमिंग के हिसाब से बता दिया है कि मुझे टाइमिंग के हिसाब से मंडे से ही डाउन साइड दिख रहा है एक्चुअली या फिर ज्यादा से ज्यादा सेवेंटीन से क्योंकि मंडे को रेंज बाउंड है तो ऊपर शायद डोजी कैंडल बना दे पॉसिबिलिटीज है बट मैं हमेशा बोलता हूँ जो हमारी टाइमिंग की जो आ, व्यूज होती है वो जनरली सेकेंडरी होती है ओके दैट मींस मुझे प्राइस सेम लेवल पे मिला और टाइमिंग के साथ मैच किया तो हम ट्रेड करते हैं बिकम्स कॉन्फिडेंट ट्रेड अदरवाइज खाली टाइमिंग के बेसिस पे ब्लाइंड ट्रेड हम नहीं करते हैं बिकॉज इज वेरी कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड बिहेवियर्स इन द मार्केट ओके तो कभी कभी गलत भी हो जाते हैं इफ द कैलकुलेश और ये पास में हुआ भी है ठीक है बट प्राइस के साथ अगर मैच कर जाता है प्राइस एक्शन के साथ देन तो आपको लेना ही लेना है ओके सो प्राइस एक्शन इज प्राइमरी सो देखो प्राइस एक्शन यहाँ पे क्या होने की पॉसिबिलिटीज है जैसे मैंने बहुत बार शायद दूसरे वीडियो में आपको बताया होगा प्राइस अगर मार्केट ये ब्रेकआउट को फेल करना है गाइस ओके सो ये हल्का गैप अप करेगा तो भी चलेगा डजंट मैटर या फ्लैट ओपन करेगा तो भी चलेगा डजंट मैटर मार्केट जो है ये मिनिमम ये लेवल एक बार आपको टच करना चाहिए सिक्सटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड थर्टी फोर्टी के आसपास हंड्रेड पॉइंट का फॉल होना चाहिए और मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए हाँ थोड़ा सा टेल बनाएगा ये नीचे साइड बट एक फिफ्टी परसेंट की रिट्रेसमेंट रेड कैंडल आपको दिख जानी चाहिए मंडे को ही ओके okay? मंडे को ही अगर मंडे वो रेड कैंडल बन गया ठीक है तो यू मस्ट यू मस्ट बी हंड्रेड परसेंट श्योर उसके बाद शायद ये कंसोलिडेशन हो जाए मैटर बट ये ब्रेकआउट रिटेस्ट मिनिमम करेगा ही करेगा दिस वीक वीक ओनली नेक्स्ट ओके जो टाइमिंग की हम बात करें नेक्स्ट वीक की जो बात कर रहे हैं हम उसमें ये ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा 320 330 का जो लेवल है ये रिटेस्ट होगा बिना उसको रिटेस्ट किए मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता Understood? Understood? 50 50 440 30 50 के 60 भी ले लो चलेगा, 460 के नीचे क्लोज करना चाहिए मंडे को इन दैट केस मार्केट विल फर्स्ट गिव यू द रिटेस्ट उसके बाद अगर बुल जाना होगा तो जाएगा जो हम ट्वेंटी फर्स्ट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं साथ, है, साथ बुल बन जाए दिस इज सिनारियो एक सिनारियो मेरा ये बनता है

Breakout will happen, okay? That means market will go upside. If it is a entirely bearish engulfing candle, then you don't buy the retest. Market will fall down, okay? और ये Tuesday को जो एक-एक हम तांडब की expectation कर रहे हैं, क्या पता आपको 200-300 points का तांडब मिल जाए, okay? अगर 420 से 300 का तांडब मिल जाता है points का मेरे को, तो 121 का level मेरा आ जाएगा। सर यहाँ पे 121 आप लोगों को याद है मैंने एक बार बोला था बहुत बार बोला है अभी ग्रुप में कि 16121 इज अ अनटच्ड लेवल नॉट दिस गैप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये गैप की बात कर रहे हैं नो दिस इज नॉट द गैप आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट लेवल फ्रॉम माय कैलकुलेशन 16121 का जो लेवल है वो लेवल बिना टच किए मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा नहीं सकता ओके okay, ये जोश में इतना चला गया चला गया अदरवाइज नहीं जा सकता तो अगर ट्यूजडे को तांडव बन जाता है तो वी विल स्टिल एक्सपेक्ट फॉर ए टारगेट ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी एंड देन देयर माइट बी ए रन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड चेंज डेट ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट वी कैन अगेन गो फॉर ए रन सो दैट वुड बी माई वीकली व्यू combining price action and I'm just I'm just telling you guys on candlestick based price action I'm not talking about any chart, flag and pull head and shoulders no chat pattern at all okay no chat pattern at all because it is on a all-time high okay remember this always all time high may it is always better to go for candlestick price action pattern only rather than any other chat pattern all time high may every chat pattern will fail.

मार्केट अगर इस तरह की कैंडल बना देता है बड़ा वाला फिर आपको सेल इन दैट केस जो मैं बोल रहा हूँ नाइन हंड्रेड तक तो आ जाएगा मार्केट मतलब किस सिनेरियो में आएगा जो लॉजिक है मार्केट ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए और डोजी नहीं बनाना चाहिए फिफ्टी परसेंट बॉडी भी चलेगा ओके okay? मतलब आपको कैंडल अगर दिखाओ हाँ इस तरह की कैंडल इस तरह की कैंडल भी चलेगी साइज ओके okay? अगर ये मंडे को रिविजिट तो करना पड़ेगा, done, जो हमने अभी किया है मतलब वो इग्नोर हो जाएगा और हमारी जो व्यू होगी वो व्यू होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव साइज 16,900 उससे पहले रिट्रेसमेंट फिर आएगा नहीं ओके बट सेवेंटीन वन पी को आई नाइदर केस अब बुल हो या बियर हो 17th डेट जो है आफ्टर 1 पीएम थोड़ा सा कॉशियस रहना मार्केट में एक बड़ा फोल आने की पॉसिबिलिटीज है इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ठीक है टारगेट मैंने आपको दे दिए सिनेरियोस आपको दे दिए डाउनसाइड में टारगेट 121 कर रहेगा अपर साइड में टारगेट 16700 देन 16900 कर रहेगा 16700 इज अ रीजनेबल टारगेट टू अचीव ओके बैंक निफ्टी कर लेते हैं देखो बैंक निफ्टी में मैंने ये जो ट्रे आपको नीचे वाली ट्रेंड लाइन दी थी आपको अभी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन खींच के रखनी है बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी ऐसे भी वीक थोड़ा है द ओनली थिंग इज दैट ये 36,250 का लेवल अगर क्रॉस कर देता है तो ये बैंक निफ्टी का एक्चुअली ब्रेकआउट हो जाएगा ओके दैट मीनस इंटर इम ब्रेकआउट विल हैपन और बैंक निफ्टी अगर ये लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है आपको दिख रहा होगा क्लियरली वैसे तो अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो हमें इसको भी एक ब्रेकआउट मानेंगे बैंक निफ्टी के लिए बट बैंक निफ्टी में भी मुझे कोई अभी तगड़ा व्यू दिख नहीं रहा है तो बैंक निफ्टी शुड स्टिल कीप इट सेल से राइस और आपको एक डबल टॉप दिख भी रहा होगा यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का आप देखो ये वाला राइट ऑलमोस्ट सेम लेवल है राइट सो दिस माइट एक्ट एज ए डबल टॉप और बैंक निफ्टी पॉसिबिलिटीज है सॉरी ये पॉसिबिलिटीज है अगर मैं मिनट वाली फिफ्टीन मिनट में आपको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल दिखेगा ये मिनट अगर आप इसको ऐसे देखोगे राइट या सो मींस ये ट्रेन लाइन ब्रेक किया मार्केट नीचे आएगा आइडियली कितना नीचे आएगा टारगेट तो हमारी यही रहेगी एक्चुअली Uh, like ज्यादा नहीं है थ्री हंड्रेड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग तो नहीं है तो मंडे को आप देखो कि मंडे मार्केट कहाँ से रिएक्शन दे सकता है पॉसिबिलिटीज है ठीक है तो ये अपर वाली एक ट्रेंड लाइन है मार्केट अगर ऊपर गया जैसे फॉर एग्जाम्पल निफ्टी सिक्सटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड तक गया तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है बैंक निफ्टी यहाँ तक जा सकता है इजिली थर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास या ज्यादा से ज्यादा यहाँ हंड्रेड सेवेंटी और यहाँ से फिर गिरने की पॉसिबिलिटीज है तो दैट आई एम बैंक निफ्टी में मार्केट ये अगर निफ्टी गिर रहा है और बैंक निफ्टी भी यहाँ से गिर रहा है और ये ब्रेकआउट लेवल टू फिफ्टी वन के नीचे आ गया तो हम लोग आइडियली बीर व्यू में ही रहेंगे वैसे मैं इंट्राडे व्यूज आपको देता रहूंगा बट बैंक निफ्टी में आई एम नॉट सुपर बुलिश अनलेस दिस लेवल इज ब्रेकआउट आई मीन ये ब्रेकआउट तो है ही है ये जो चैनल है चैनल का ब्रेकआउट मेरे को मिलना चाहिए नॉट ओनली दिस लेवल तभी मैं बैंक निफ्टी में आइडियली बुलिश बैठूंगा अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में बुलिश नहीं बैठूंगा ओके okay? तो ये चैनल ड्रॉ करके रखना चैनल के ऊपर ही बाय करना अदरवाइज नहीं ठीक है वैसे हमारा व्यू सेलोन राइज का है नेक्स्ट वीक का ओके okay? तो हम लोग सेलोन राइज में ही रहेंगे अप टू थर्सडे ओके डे वेरी वेरी हाई चांसेस के मार्केट नीचे आ जाए ओके दैट्स व्हाट माय व्यू इज ना बैंक निफ्टी में अगर चैनल का ब्रेकआउट कर देता है क्योंकि हम वीकली व्यू की बात कर रहे हैं अगर चैनल का ब्रेकआउट कर देता है तो आवर टारगेट शुड बी दिस ब्लैक लेवल थर्टी सेवन थाउजेंड हंड्रेड सो एम टॉकिंग थाउजेंड पॉइंट मूव फ्रॉम हियर व्हिच लुक्स वेरी वेरी रेयर बट लेट इट फर्स्ट ब्रेक मार्केट को पहले दिखाने दो हमको कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ तभी हम बाय करेंगे ना ऐसे जबरदस्ती पहले से बाय करके कोई फायदा नहीं है मार्केट हमें खुद बोलेगा भाई कि मैं ऊपर जा रहा हूँ जब बोलेगा तब तो हम बाय करेंगे ठीक है तो एंड इसके नीचे इसके नीचे हमारा लेवल जो है थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड का लेवल है मैंने आपको पहले दिया है मतलब ये वीक अगर मार्केट नीचे आता है तो हमारा पहला टार, एक अनटच लेवल मैंने बोला था ना आपको थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड के आसपास एक अन्य निफ्टी में मैंने बोला 16,121 बैंक निफ्टी में वो लेवल है 34,900 के आसपास ओके 34,900 कुछ रहेगा थर्टी रहेगा तो उसके आसपास ही एक अनटच लेवल है तो ये लेवल टच करने के बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है तो यहाँ पे आप एक लेवल ड्रॉ करके रख सकते हो बट ट्रेडिंग आपको कैसे लेनी है Uh, यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैंडलस्टिक पैटर्न आप ऐड करोगे जो मैंने निफ्टी में सिनारियो बताया है मैं रिपीट नहीं करूंगा बट uh, यहाँ पे पैटर्न ट्रेडिंग काम देगा और ये चैनल की ट्रेडिंग ही आपको काम देगा फर्स्ट थ्री थ्री हंड्रेड पॉइंट थ्री हंड्रेड पॉइंट अगर मैं चैनल से ले रहा हूँ तो थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड हाँ यहाँ तक आ रहा है ना यहाँ तक आया ये यह यहाँ पे बॉटम लिया वन वन टू थ्री पहले भी लिया होगा फोर

ये चैनल के ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड करना पोजिशनल अदरवाइज तब तक आपका इंट्रा ही रहेगा क्लियर एवरीबॉडी? एवरीबडी दू टाइमिंग्स प्लस प्राइस एक्शन ओके और कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको बता दिया है तो मंडे की ट्रेडिंग में थोड़ा सा क्विक कर लेता हूं देखो मंडे की ट्रेडिंग वही है ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन आपका ऊपर रहेगा ही रहेगा मंडे की जो ट्रेडिंग है मार्केट अगर कभी भी ये लेवल तक पहुंच जाता है ये हमारी रेजिस्टेंस है जो 36450 सो व्हिच इज अराउंड 300 470 सॉरी 470 ओके okay? मार्केट अगर पहुंच जाता है तो आप एक सेल ले सकते हो ठीक है मिनिमम 150 टू 200 पॉइंट का सेल ये देना चाहिए फ्रॉम दिस लेवल मंडे की बात कर रहा हूं मैं ओके okay? और ये ब्रेकआउट पे अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको एक बाई करनी है बट द ट्रेलिंग स्टॉप वुड बी फास्टर द ट्रेलिंग स्टॉप वुड बी फास्टर बिकॉज पहला हार्डल आपको 36,330 का मिलेगा अगर इसको क्रॉस कर दिया तो ये 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे जो बाय बनेगी निफ्टी में ब्रेकआउट में बाय मैंने बोला था कॉन्फिडेंटली करना है इस केस में भी आप कर सकते हो बट यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप स्टॉपलेस थोड़ा सा फास्ट रखना और ये हिट करके जाएगा ठीक है नाउ अगर मॉर्निंग में ही मार्केट गैप डाउन हो जाते हैं बिकॉज इज न्यूज के चाइना के पोर्ट्स वगैरह सट डाउन हो जाते हैं बिकॉज कोविड और एक न्यूज मैंने कनाडा वाला जो बताया जहां पे लॉकडाउन दोबारा स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है उस केस में जो मुझे लगता नहीं डेटा को देख के कि मार्केट गैप डाउन होगा अगर मार्केट को गिरना होगा तो भी गैप अप करके ही गिरेगा दैट इज इज व्हाट द व्यू ओके बट अगर चांस रिटेलर की किस्मत अच्छी है एंड दिस न्यूज इज कंसिडर्ड एज ए वेरी वेरी बैड न्यूज तो मार्केट गैप डाउन हो जाता है मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है तो कल आपको बाय नहीं करना है क्योंकि ये बाय देगा आपको बाय देगा स्मॉल वाला देन ये दोबारा फॉल करेगा ओके दैट मींस इन दैट केस मार्केट अगर गैप डाउन होता है ऊपर जाना चालू करता है आपको ये जोन से सेल करना है व्हिच इज अराउंड 36100 36090 टू 100 में सेल मार दो तो बिंदास ये लेवल तो मिनिमम आएगा आपको का लेवल, फिर का फिर तो तो ये 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 वाला जो जो से हुई है है हो जाएगी क्योंकि पहले तो ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड के नीचे अगर डाउन करता है ऊपर जाएगा तो पहले ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देगा पीवर्ड देगा ये ब्लैक लेवल रेजिस्टेंस देगा मार्केट हाज टू फॉल डाउन मार्केट हाथ टू फॉल डाउन आप बाय का सोचना भी नहीं डाउन में बाय का सोचने का नहीं एवरी सेल

डिसाइड करें निफ्टी का मंडे की अगर हम ट्रेड करें ऑलरेडी आपको बताया कि ट्रेड करना कैसे मंडे का जो ट्रेड होगा हमारा गैस एक एक लेवल जो हमारी रहेगी जोन वो ये जोन की रहेगी सिक्सटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी दैट मीनस अगर निफ्टी हंड्रेड पॉइंट के आसपास गैप अप कर देता है या ऊपर चला जाता है प्लीज प्रिफर टू कट योर लॉन्ग पोजिशन

मैं वैसे भी बाय नहीं करूंगा आइडियली ओके ठीक है बट ये होगा कि नहीं होगा देखते हैं अगर ऊपर के लेवल में ये एक लेवल पे आप सेल ले सकते हो 16620 टू 640 का जो रेंज है ठीक है 640 आई वुड बी मोर कंफर्टेबल टू सेल इफ इट रीचेस ऑन मंडे ओके बाकी सेल तो कहीं से भी आ सकता है मंडे को अगर ये लेवल भी एक है सेल है ये जो अपना आर वन है, है, है ज्यादा नहीं है बट वेस्टी फाइव नाइनटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी थर्टी थर्टी पॉइंट का फर्क है आई वुड मार्क दिस एंटायर जोन आज सेल जोन ओके अभी सेल कहां से देगा दैट वी डोंट नो बट सिक्स फिफ्टी के आसपास अगर पहुंचता है तो प्रोबेबली एक सेल लेने की कोशिश कर सकते हैं इट माइट फेल इट माइट गेट सक्सेसफुल ओके ना उस केस में अगर मार्केट मा, नीचे आना चालू करता है तो ये वाले जो, जो जोन है जहां पे हमारी पिवट है दैट वुड बी आवर टारगेट विच इज 482 का टारगेट होना चाहिए उससे ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए मंडे के लिए ओके okay? क्योंकि हमारी जो लालच है डाउन साइड और ट्यूजडे को मंडे अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, guys, अगर हो जाता है down, up, अगर जैसे बैंक निफ्टी में जो सीनारियो बताया था उस केस में ये स्विंग जो अपनी पिवट के आसपास है वहां से आप सेल कर सकते हो डू नॉट बाय do not buy in that scenario. लोग क्या सोचेंगे कि गैप डाउन में इतना गैप डाउन हो गया तो हम लोग बाय करते हैं दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा उसके इसमें ओके okay? या तो यहाँ से सेल सेल देगा देगा या फिर से से ये क्लोजिंग से सेल देगा, 519 फोर्टी परसेंट का डिफरेंस है सो so, 16,500 का लेवल आप ले लो आजू बाजू उसी लेवल से ये दोबारा सेल को कंटिन्यू करेगा जो हमारी टाइमिंग के व्यू के साथ मैच हो रहा है कि ट्रेंड चेंज विल हैपन एंड द इनिशिएशन विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे ठीक है क्लियर, राइट स्टॉक्स की हम कुछ ज्यादा बात करेंगे नहीं गैस uh, मैं इंट्राडे वीडियो में कल स्टॉक्स की बात करूंगा ठीक है आई होप एवरीबडी इज क्लियर मुझे लगता नहीं कि मंडे का जो मैंने ट्रेडिंग व्यू बताया वो कितने लोगों को क्लियर हुआ ओके बिकॉज वीकली एनालिसिस में मैंने अलग बताया और मंडे में लेवल थोड़े से uh, क्या है क्लोज है ठीक है तो द ट्रेडिंग वुड बी गोइंग टू बी डिफिकल्ट ऑन द अपर साइड ऑन मंडे फॉर श्योर डाउन साइड में वी वे आर वेरी क्लियर अगर मार्केट डाउन आता है तो जितना ऊपर जाएगा हम उसको सेल करेंगे लेवल पे वे वी आर वेरी वेरी क्लियर अपर साइड में वी आर नॉट क्लियर कि सेल किस लेवल से लेना है दिस एंटायर जोन इज सेल जोन और अपर लेवल में निफ्टी 16,700 भी जा सकता है पॉसिबिलिटीज है ओके तो अब देखो अपर साइड आप लोगों को ट्रेड कैसा करना है ओके okay. जबरदस्ती तो ट्रेड नहीं करेंगे कैसा करना है एक चीज मैं करूंगा जो अभी नहीं डाला कि मंडे का जो मिनट मिनट बाय जो टाइमिंग का व्यू होता है वो एक बार मैं डाल दूंगा कम्युनिटी टैब में तो शायद वो आपको हेल्प कर दे वैसे रेंज बाउंड है कंफ्यूजिंग काफी है मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही है बाकी देखते बाकी लाइव में देखेंगे ओके okay. लाइव में मैं अगर कुछ कर सकता हूँ उन रूप में तो बता दूंगा ठीक है बट मंडे के बाद ट्यूजडे से अपनी ट्रेडिंग क्लियर हो जानी चाहिए और क्लियर सिनारी मैंने आपको दे दिए हैं ऑन ओनली कैंडल स्टिक पैटर्न नो चार्ट पैटर्न फॉर निफ्टी ओके थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय माता दी